हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल पी टॉक्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ आर सीरीज़ फॉर मेंस प्रिपरेशन एंड होप यू विल लाइक इट सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वीडियो दैट इज़ द सलेबस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन फॉर जियो साइंटिस्ट सो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जितना भी हमारा मेन्स का सलेबस है उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा पार्ट हमने कहाँ से करना है कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सी अब बुक्स रेफर कर सकते हो कौन से नोट्स रेफर कर सकते हो तो ये सब ओके सो लेट्स स्टार्ट तो आ, ये है रिवाइज्ड पैटर्न और सिलेबस फॉर कम्बाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन अब हम हमारे वाले पे चलते हैं हमारे वाला इन देंस Stage स्टेज टू डिस्क्रिप्टिव टाइप मेन्स सब्जेक्टिव पेपर फॉर मेन्स एग्जामिनेशन पेपर वन इज़ ऑफ इनआरगेनिकमिस्ट्री ये तो आप लोगों को शायद पता है ना तो first is inorganic solids. इनऑर्गेनिक सोलिड्स में मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था इस पर बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक लाइक like, जैसे defects क्या होते हैं आपकी सॉलिड केमे सॉलिड स्टेट वाले में पता है आप लोगों को नॉन स्टोशोमेट्रिक कंपाउंड सॉलिड सॉल्यूशंस ये सब चीज़ों के लिए क्योंकि मैंने कोई बुक वगैरह तो रेफर नहीं की थी जस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने इधर उधर से देखे किए थे तो आई विल सजेस्ट कि इस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना और जैसे ये है ना कि जैसे स्पाइनल्स क्या होते हैं पैरोस्काइट स्ट्रक्चर्स क्या होता है सिलिकेट्स, जियोलाइट्स ये मेन ग्रुप में आते हैं तो ये आप लोग देख लेना बाकी इंटर केमिस्ट्री क्या होती है ये चीज़ आप देख लेना सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज़ करने पे कैसे वेरी करता है कंडक्टेंस और सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं ठीक है सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं तो ये पॉइंट्स आप मैं जस्ट इस वाले टॉपिक में आपको जस्ट ये बोलूँगी कि अगर आप मान लो कि सर्च करते हो इंटर केमिस्ट्री तो आपको ये नहीं है कि इस पर आपको दो तीन पेज आपको नोट्स में बना देना है नहीं इंटर केमिस्ट्री लिखो और उसके ऊपर हाफ पेज हाफ पेज मींस सेवन टू टेन लाइंस इतना लिखा कि बेसिक्स आपको क्लियर हो ताकि अगर फाइव मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आप एक पेज भर पाओ फाइव टू सेवन पॉइंट्स आर मोर देन इनफ तो ऐसे करके आप ये हर एक टॉपिक के बारे में हर एक टॉपिक मतलब इंटरकलेशन सेमी कंडक्टर्स सिलीकेट्स क्या होते हैं जियोलाइट्स क्या होते हैं स्पाइनल पेरोसाइड स्ट्रक्चर कैसा होता है कोरेंडम क्या है आर यो थ्री तो ये सब क्या करना आप जस्ट फाइव टू तो सेवन पॉइंट्स हर किसी के लिख लेना बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आएगा तो फाइव मार्क्स में ही आएगा लाइक जैसा मुझे लगता है ये मत बोल देना कि ये तो टेन मार्क्स में आ गया तो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो एज यूजुअल नेट गेट जे मतलब नेट जी और जी में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ठीक इस है इसमें क्या आएगा आपको जो होता है ना कि टेन मार्क्स का फिफ्टीन मार्क्स का जो क्वेश्चन uh, होता है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आएगा ही आएगा एक दो तीन आएंगे ही आएंगे ठीक है तो ये वाला टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करना है लाइक like, हर एक चीज़ जैसे ये है डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस ये आया था मुझे याद है ये वाला जो टॉपिक है मतलब ये वाला जो है डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ आया था और स्टिलिंग ऑन हाँ ये वाला आया था कि हम कैसे डिटरमाइन uh, कर सकते हैं तो ये मैंने जस्ट लास्ट मोमेंट पे ही चेक किया था शायद तो ये मेरा हो गया था मतलब कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको ये नहीं है कि कोई अलग से बुक रेफर करनी है आप अजय कुमार वाली बुक रेफ़र कर सकते हो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो दैट इज़ सफिशेंट अगर अजय कुमार की बुक नहीं है आपके पास तो आपने ओबियसली नेट गेट के लिए ज़रूर कोचिंग ली होगी जरूर आपने नोट्स बनाए होंगे नोट्स नहीं बनाए तो आप अजय कुमार वाली बुक ले सकते हो उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा आपको करना है ठीक है अगर आप ये बोलते हो कि नहीं मैंने बुक नहीं पढ़ी मैंने तो नोट्स ही मेरे अच्छे से बने हुए हैं तो आपके नोट्स जो नेट गेट वाले हैं दे आर सफिशेंट लेकिन उसमें करना सब कुछ है सब कुछ मतलब प्रीलिम्स में तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा पोर्शन आता है बिल्कुल बेसिक वाला पोर्शन आता है थ्योरीज वगैरह आती नहीं है लेकिन इसमें क्या है सब कुछ आएगा जो हमारा मकैनिज़म वाला होता है रिएक्शन मैकेानिज़म वाला चैप्टर प्लस जैसे लेबाइल इन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं स्क्वेयर प्लानर और उसमें उसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है देन ट्रांस इफेक्ट क्या होता है वो सीरीज क्या है स्टेबिलिटी कॉन्सेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस इन इनऑर्गेनिक एनालिसिस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में क्या है जो भी आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जितनी भी थ्योरीज है ना सी एफ टी हो गई देन स्प्लिटिंग हो गई और ये आया था क्वेश्चन मेरे वाले टाइम में इसकी स्प्लिटिंग दिखानी थी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल किसमें ऑक्टाहेड्रल और में दोनों में ही और फिर ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मतलब आप इसमें चेक करोगे ना हर एक टॉपिक पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज कि हर एक टॉपिक आपके नोट्स में होगा क्योंकि ये सारा का सारा नेट गेट वाला ही सिलेबस है ओके जॉन टेलर है सिर्फ ये सारा मेटल लिगन बॉन्डिंग सिग्मा पाई बॉन्डिंग देन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स ओनली मोमेंट्स, दर दरकोरेशन विद इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स, डी डी ट्रांजिशन एल एस कपलिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट जो आपके ऑर्गल डाइग्राम होता है सिलेक्शन रूल्स फॉर सलेक्शन रूल क्या क्या होता है जो हम डेल्टा एस और डेल्टा एल पढ़ता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है चार्ज ट्रांसफर ट्रांस स्पेक्ट्रा कैसे आता है तो ये सारा का सारा आपके कोऑर्डिनेशन वाले नोट्स में मिल जाएगा नोट्स हैं अच्छे से तो इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है नोट्स नहीं है तो आप अजय कमार वाली कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर उसमें से कर सकते हो देन है एसिड बेस टाइट्रेशन लाइक टाइट्रेशन जितनी भी है ये एसिड बेस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस रिडक्स टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ये सारे की सारी टाइट्रेशन आपको बुक में मिलेगी वेस्टर्न स्कूग एंड वेस्ट में ठीक है उसकी फंडामेंटल एनालिटिकल केमिस्ट्री की बुक है तो उसमें आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे ओके और इसमें से क्या क्या चीज़ें करनी है मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें करनी हैं बट फिर भी जब मैं डिटेल वाला हर एक चैप्टर लाइक हर एक पार्ट के लिए बनाने वाली हूँ तो उसमें आई विल डिस्कस कि कैसे क्या करना है कौन कौन से चैप्टर्स हैं बट अगर जैसे आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आप ख़ुद से देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको उस बुक में मिल जाएंगी वो बुक आपको ऑनलाइन भी लाइक पी डी एफ अवेलेबल हो जाएगी अगर नहीं होती तो यू प्लीज़ लेट मी नो मैं आपको पी प्रोवाइड करने की आ, कोशिश करूँगी ओके नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनामेटिक कम्पाउंड्स ऑर्गेनामेटेलिक कम्पाउंड जो आपके नेट गेट में आती है इतनी हाई लेवल की नहीं आएगी बहुत बेसिक से चीज़ें एटीन इलेक्ट्रॉन रूल आपको सबको पता है कार्बोनिल्स में जो बैक पाई बॉन्डिंग होती है क्या क्या फैक्टर्स होते हैं एनसीलिगेंट्स और आ, कौन से डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होते हैं या फिर जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है सॉरी uh, जो हमारा मेटल है उसके ऊपर डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं विड्रोइंग ग्रुप लगे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वगैरह पे और नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कैसी होती है मतलब ये तो मैंने बता दिया फिर मेटल मेटल बॉन्डेड कॉम्पेक्स कौन कॉम्प्लेक्स कौन से कौन से होते हैं कैसी बॉन्डिंग होती है जैसे आर ई है ना तो उसमें कैसे टाइप की बॉन्डिंग होती है कैसे उसकी एम होती है कौन कौन सी ऑर्बिटल्स कैसे इन्वॉल्व होती है और मेटल क्लस्टर्स देन विल्किसन कैटलिस्ट कैटलिस्ट में सिर्फ विल्किसन कैटलिस्ट लिखा है तो सिर्फ आपको वही करना है ये वाला भी क्वेश्चन मेरे वाले पेपर में आया हुआ था और ये आई रिमेंबर कि मैंने लास्ट क्वेश्चन था ये जो मैंने मतलब अटम्प्ट किया था टाइम था आप मान सकते हो एक मिनट हार्डली एक मिनट था और क्योंकि एक मिनट में आप कितना लिख सकते हो विल्किसन कैटलिस्ट तो ऐसा है कि हर किसी स्टूडेंट को आता होगा और ये मेरे को बहुत अच्छे से आता था मतलब होता है ना कि हर एक स्टेप कैसे क्या हो रहा है अच्छे से थियरी लिख सकते हैं लेकिन मैं क्या कर पाई थी सिर्फ जो पांच छह स्टेप्स है ना एक साइकिल बना पाई थी साइकिल में भी मैंने पूरा अच्छे से लिख नहीं पाई थी कि ये एटीन इलेक्ट्रॉन है ये सिक्सटीन है ये फोटीन है ये वाला स्टेप ट्रांसमेटेलेशन है ये मोटा मोटा मैंने लिख दिया था ये ट्रांसमेटेलेशन है ये रिडक्टिव एलिमिनेशन है ट्रांसमेटेलेशन नहीं होता इसमें मैंने गलती से बोल दिया तो ये सब चीज़ मैंने मोटा मोटा बस मैं लिख पाई थी बाकी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ठीक है तो टाइम ऐसा ही होता है थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है ये वाला आया था तो ऑर्गेनिक मेटेलिक्स में सिर्फ ये ही टॉपिक्स करने हैं आपको बहुत नेट गेट में बहुत ज़्यादा आता है वो नहीं करना नोट्स आर सफिशेंट ठीक है नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो ये वाला भी चीज़ आपको अजय कुमार वाली बुक से मिल जाएगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप कर सकते हो ये जितने भी टॉपिक हैं वो आपको एक बुक है हाउस क्राफ्ट उस बुक में वो बुक आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगी आप गूगल पे जाना हाउस क्राफ्ट लिखना इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें जाओगे तो आपको पी मिल जाएगी सेकेंड या थर्ड लिंक ही मिल जाएगा और उसमें आप देख सकते हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको ठीक है बाकी जब मैं वीडियो बनाऊंगी मैं देखती हूँ क्योंकि मैंने उसे नहीं पढ़ा मेरे पास जस्ट थोड़े से नोट्स थे पहले के तो जिस मैंने उसी से किया था देन है डी एंड एफ ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक आई एम लाइक आई एम श्योर कि आपने नेट गेट के लिए पढ़ा है तो वही चीज़ें आई थिंक सफिशियंट है नहीं भी है तो डी एंड एफ ब्लॉक भी इसमें जो हाउस क्राफ्ट बुक बताई है मैंने उसमें है तो उसमें से आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो आप वो ये चीज़ें कर सकते हो अब अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि हाउस क्राफ्ट में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वाला चैप्टर है तो उस चैप्टर में थोड़ा सा आप स्मार्टली करना ऐसा नहीं कि वो चैप्टर मैंने बोल दिया तो पूरा का पूरा करना है ऐसे ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी जब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगी तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करता है ठीक है नहीं फिर भी बता देती हूँ किसी को अभी स्टार्ट करना हो तो कि जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना इलेक्ट्रॉनिक एनफिक आयनाइजेशन एनथेल्पी ऑक्सीडेशन से यही चीज़ें करना आप जैसे सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेंशन किया हुआ है बाय आयन एक्सचेंज मेथड तो बाकी के जो रिडक्टिव मेथड होता है या कुछ और भी मेथड्स होते हैं ना वो नहीं कर रहे हैं सिर्फ यही वाला मेथड करना है तो कभी आप ज़्यादा एक्स्ट्रा वो करने लग जाओ हार्ड वर्क हार्ड वर्क नहीं करना स्मार्ट वर्क करना है ठीक है नेक्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री में हमें क्या करना है कानेटिक थ्योरी एंड द गैशिय स्टेट ये जो चैप्टर है ये आपको करना है के एल कपूर से के एल कपूर में आपको ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक मिल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का बट आई विल सजेस्ट जो काइनेटिक थ्योरी इन द स्टेट है ना ये जो सारे टॉपिक्स हैं रियल गैसेस डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर हर एक टॉपिक आपको उस चैप्टर लाइक like, उस बुक में एज इट इज़ मैंशन है तो आप उससे कर लेना नेक्स्ट आता है सोलर सॉलिड आपका नेट गेट में किया हुआ है आपने राइट right. तो आपके जो नोट्स हैं वो उसमें यही है नेचर ऑफ सॉलिड स्टेट जैसे ये महसूस नेचर ऑफ़ सॉलिड स्टेट का क्या मतलब है ये वाला भी कहीं टॉपिक मिलेगा ये टॉपिक नहीं मिलेगा आपको कहीं जैसे बैंड थ्योरी आपको पता है क्या होती है तो वो चीज़ ढंग से देख लेना क्वालिटेटिव बैंड थ्योरी के पीछे क्या है आइडिया क्या है कंडक्टिंग सेमी ये सारी चीज़ें लोफ कॉन्स्टेंसी ब्रैक्स लो एक्सआर डी मिलर इंडेसिस क्या होती है सिमेटरी एलिमेंट्स इन द क्रिस्टल्स ये सब चीज़ें जो सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हो नेट गेट वाले सिलेबस में वही करना है अगर आपके पास नोट्स हैं तो देन केमिकल थर्मोडाइनमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम इसमें भी जो आपने नेट गेट में किया है ठीक है क्योंकि जी की डायरेक्टली तो कोई प्रिपरेशन नहीं करता नेट uh, गेट थोड़ी सी कोचिंग ली होती है मोस्ट नाइनटी नाइन नाइन्टी फाइव परसेंट स्टूडेंट ने पक्का ली होती है तो आ, क्योंकि जी एस आई की कोचिंग कहीं मिलती ही नहीं है एज इट इज़ भाई हाँ ये जी एस आई की कोचिंग है तो जहाँ पे होती है वो नेट गेट के ही इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो वही पढ़ाते हैं बस साथ में ऐसे ही बैच शुरू कर देते हैं तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको आपके वही नेट गेट वाले नोट्स में मिल जाएगा ठीक है अगर आपके पास नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपको के कपूर में भी मिल जाएंगी बस थोड़ा सा स्मार्टली देखना कि आपको यही टॉपिक्स करने हैं ऐसा और एक और चीज़ ऐसा नहीं है मान लो कि आपको डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ये वाला टॉपिक के कपूर में नहीं मिला तो अब इसको सर्च करने में ना दो दिन मत लगा देना कोई बात नहीं छोड़ देना इतना स्किप कर सकते हुए हंड्रेड परसेंट सिलेबस नहीं होने वाला मैं भी शायद एट्टी परसेंट करके गई होगी तो ऐसा है थोड़ा सा स्मार्टली देखना और ये आपका के कपूर में भी मिल जाएगा देन है केमिकल कानेटिक्स एंड कैटालिसिस ये भी आपको जो नोट्स हैं आपके नेट गेट वाले क्योंकि वो बहुत बार पढ़े होते हैं जो जी की कर रहा होता है ना मुझे लगता है वो नेट गेट किया होता है उन्होंने तो जो आपके नोट्स हैं वो वाले कानेटिक्स वाले तो वो हो, वो वाले नोट्स सफिशेंट हैं आपके इसके लिए भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है ये मत सोचना कि पता नहीं कहाँ से कौन सी डेरीवेशन आ जाएगी इतनी खास डेरीवेशन नहीं आती मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल्स ही आते हैं पॉइंट वन परसेंट चांस है कि यहाँ से मुझे नहीं लगता कोई आ, कोई इसमें डेरीवेशन वाला क्वेश्चन है ही नहीं 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 कुछ नहीं बनता तो इसमें आपके क्या हैं नोट्स में है लेकिन ये जो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता है ये आपके नोट्स में नहीं मिलेगा आपको नेट गेट वाले में क्योंकि ये आउट मतलब सिलेबस में नहीं है नेट गेट में तो ये आपको के एल कपूर से मिल जाएगा ठीक है बाकी ये है सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है यहाँ से बी ई टी वगैरह सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन ये आप कर लेना आपके सर्फेस केमिस्ट्री वाले नोट्स से ओके देन कोलोइड्स इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कोलोइड्स स्टेबिलिटी ये चीज ये वाली जो चीज़ है ना ये वाली पूरी लाइन ये मैंने नहीं की थी क्योंकि मुझे इसमें कन्फ्यूज़न सी हो जाती थी मतलब बहुत रट्टा वाली चीज़ लगती थी बट मैंने नहीं किया था और जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं मेसिल्स हैं इमल्शन है इसके ऊपर मैंने ना बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाए हुए थे मैंने क्या किया था गूगल खोला था सोप्स एंड डिटर्जेंट सर्च करके थोड़ा सा पी में से देख के एक पेज का सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पर बना लिया था मेसिल्स पे सिमिलरली इमल्शंस पे ताकि पाँच नंबर में आएँगे क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे तो पाँच नंबर में आए तो एटलीस्ट आपके पास कुछ लिखने को हो ब्लैंक ना छोड़ना पड़े पांच में से एटलीस्ट आपको तीन तो मिलेंगे है ना? फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये भी आपको अगर आपके पास नोट्स है वो वाले नेट गेट वाले तो दे आर सफिशियंट सारे के सारे टॉपिक्स हर एक टॉपिक आपके नोट्स में है और अगर नोट्स नहीं हैं तो के कपूर में ही मिल जाएंगे सबके सब देन है क्वांटम क्वांटम में देखो जो चीज़ें हैं ना हाँ जो ये सारी चीज़ें हैं नेट गेट वाले सिलेबस में ज़्यादा आती है ओके okay? बट ये जो टॉपिक्स हैं आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू अनसर्टेनिटी रिलेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू हर ऑपरेटर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ये सब कुछ डिटेल में मैं फिजिकल केमिस्ट्री वाले में ही कराऊँगी तो ये सब अगर आपके पास नोट्स हैं नोट्स से सिर्फ ये जो टॉपिक मेंशन किए हुए में, सिर्फ ये करना अगर नहीं है तो के एल कपूर में ये भी अच्छे से दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी सब मेंशन है ये जो इंटरेक्शन है यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है ये सब के सब किस में हैं केल कपूर में, में दिए हुए हैं अगर किसी के पास नोट्स हैं किसी ने कोचिंग ली हुई है तो उनके पास भी नोट्स में अवेलेबल होंगे जो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है हमारी रोटेशनल वाइब्रेशन रमन ये वो है तीनों की तीनों और इसमें आपको है ना सिर्फ दिया हुआ है रोटर सेलेक्शन रोल स्पेक्ट्रम डिटर्मिनेशन ऑफ बोन लेंथ इफेक्ट इसमें ना आपको जो डायटोमिक तक ही करना है आपको डायटोमिक से ज़्यादा वाले में नहीं करना ठीक है पोलियाटोमिक के लिए इसमें दिया हुआ है जैसे इसमें नहीं दिया हुआ राइट right? तो इसमें दिया हुआ है ओवरटोन्स एंड हारमोनिसिटी नॉर्मल मोड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ इसमें सिर्फ नॉर्मल मोड ऑफ पॉलीमेट एलो सॉरी पोलियटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए दिया हुआ है बाकी जो ऊपर वाले जो होते हैं ना ये रूल्स जैसे रोटेशनल में पोलियाटोमिक में बहुत ज़्यादा आगे तक फॉर्मूला चले जाते हैं वो चीज़ें नहीं करनी सिंपल वाली डायटोमिक तक करनी है रमन में भी बेसिक से चीज़ें हैं फीचर्स एंड रमन एक्टिविटी रोटेशनल एंड वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रम फोटो केमिस्ट्री फोटो केमिस्ट्री आपकी जो आ, कैनेटिक्स में ही बेसिकली करवाते हैं केमिकल कैनेटिक्स में जिसने भी कोचिंग लिया आई नो कि कोचिंग ऑलमोस्ट हर किसी ने ली हुई है तो फोटो केमिस्ट्री वाला जो सब कुछ है वो आपको केमिकल कैनेटिक्स वाले साथ में ही करवाया होता है चैप्टर के अगर नहीं है आपके पास नोट्स तो आप के कपूर से ही हर एक कर सकते हो लाइक like, हर एक टॉपिक आपको उसमें मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास इसके मोस्ट ऑफ लाइक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के नोट्स थे नेटगेट वाले तो मैंने उसी से किया है हाँ जैसे ये है फोट हाँ वैसे ये चीज़ें मैं अभी डिटेल में नहीं बताती ये नोट्स में नहीं मिलेगा आपको के कपूर से ही मिलेगा लास्ट है एनालिटिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये बहुत ज़्यादा मुझे टाइम कंज्यूमिंग लगा बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था बट वो मुझे समझ भी नहीं आया मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको छोड़ दिया जाए तो मैंने छोड़ दिया था तो इसको इसका मेरे पास लाइक like, एक्सपीरियंस नहीं है कि आपका कितना टाइम जा सकता है आई विल सजेस्ट कि ये वाला टॉपिक आप एंड में कीजिए जब आपको ऐसे हो जाए कि हाँ ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया है मेरे कंट्रोल में है सिलेबस तब जाके आप ये वाला कीजिए ठीक है ये वाला जो टॉपिक है एरर्स वाला ये आपको उसी वेस्टर्न स्कूक बुक में मिलेगा जो है फंडामेंटल एनालिटिकल केमिस्ट्री तो उसी में मिल जाएगा आपको ये बट आई विल सजेस्ट कि एंड में करना है जब आपके पास टाइम हो देन जो भी है ना ये सेपरेशन मैथर्स क्रोमेटोग्राफिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन देन यू वी विजिबल आई आर एटोमिक एब्जॉपशन एमीशन स्पेक्ट्रोस्कोपी थर्मल एक्स रे आई सी पी एम एस ये सब चीज़ें यहाँ तक मतलब इंडक आई सी पी एम एस तक ये सारी चीज़ें आपको वेस्टर्न uh, स्कूल में ही मिलेंगी सारे के सारे टॉपिक्स आपको उस बुक में अवेलेबल मिलेंगे उस बुक से बेस्ट बुक इस पेपर के लिए होनी सकती क्योंकि ऐसे कभी कभी लगता है कि जी वालों ने सिलेबस ही उस बुक से देख के बनाया है क्योंकि आपको देखोगे कि एज इट इज़ जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ना मान लो थ्री डिफरेंट मोड्स वो एज इट इज़ वहाँ पे क्या है टॉपिक है तो ऐसा लगता है तो उस बुक से आप कर लोगे तो आप आराम से आपकी एनालिटिकल हो जाएगी देन है hey, uh, जो भी है कॉल कॉक ये आपको थोड़ा सा गूगल uh, ही करना पड़ेगा बाकी अगर मैं कर पाई तो आई विल ट्राई टू कवर बट मुझे लगता नहीं है चलो देखते हैं इसका एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल्स का क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं नहीं बोलूँगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे तो भाई आपके बहुत मार्क्स चले जाएंगे क्योंकि इसमें से शायद इनमें से कोई एक तो आया था डॉक्टर टेस्ट आया था या फिर कौन सा टेस्ट आया था आप बस ये कर लेना स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है डॉक्टर टेस्ट क्या होता है एनिलिन पॉइंट क्या होता है या गूगल करके वही मैं बोला जो हाफ पेज का नोट्स लिख लेना डॉक्टर टेस्ट क्या होता है उस पर लिख लेना एनिलिन पॉइंट पर लिख लेना तो कोई बुक वगैरह के सर्च में इतना टाइम वेस्ट मत करना ठीक है गूगल करना पी से आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पाँच पाँच दस पाँच पाँच सात सात लाइन बहुत है ओके है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट्स वाला चैप्टर एडिशन टू तो सी सी मल्टीपल बॉन्ड एडिशन टू तो कार्बन हाइड्रोइटम मल्टीपल बॉन्ड्स अगर आप देखोगे ना जिसने भी क्लेडन बुक की हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ये मोस्ट ऑफ द चीजें उसी से ली हुई है। हैं उसमें एक चैप्टर है ना एडिशन टू तो सी सी मल्टीपल बॉन्ड्स कार्बन हाइड्रो आइटम मल्टीपल बॉन्ड्स रिएक्शन एट द कार्बन ग्रुप ये भी पूरा एक चैप्टर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोसाइकलिक रिएक्शन भी पूरा एक चैप्टर है उसके अंदर लास्ट में है एंड में तो ये सब है ना अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप देखोगे इसमें जो नेम रिएक्शन है ना उस पर बहुत फोकस किया हुआ है तो रीमर टीमन ये सब कुछ और इंटरमीडिएट्स आप अच्छे से कर लेना जैसे कार्बन नाइट्रीन दिया हुआ है लेकिन हम वो भी कर लेना कार्बोकटाइन कार्बन है ना एनआईन क्योंकि बहुत बेसिक है वो कहीं ना कहीं आपकी नेम रिएक्शन में काम आ जाएंगे तो इंटरमीडिएट्स कर लेना देन एडिशन रिएक्शंस जो है अगर आपके नोट्स में है ये सारी चीज़ें तो इट्स गुड नहीं है तो आप जो क्लेडन है उसमें एज इट इज़ आपको ये चीज़ें मिल जाएंगे ये देखो रिएक्शन एट कार्बन ग्रुप आप क्लेडन में देखना ये सारे के सारे जो नेम रिएक्शन हैं वो उसमें मैंशन है तो वही करनी है आपको पूरा एक चैप्टर है इसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ये भी उसमें चैप्टर है क्लेडन बुक तो एक ही बुक है ऑर्गेनिक के लिए लेक्टोसाइक्लिक रिएक्शन का भी उसमें चैप्टर है एज इट इज़ अगर आपके पास पेरीसाइक्लिक के नोट्स हैं तो ये आप जो हैं जो भी टॉपिक्स हैं वो अपनी नोटबुक वाले भी कर सकते हो ऐसा नहीं है कि बुक से ही करना है तेन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना आई आर यू वी एन एम आर मास ये सब आप अपनी जो नोट्स हैं अगर आपके पास नोट्स हैं तो इट्स गुड अदरवाइज ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की पाविया बुक है जो है उसमें आप कर सकते हो वो भी अच्छी बुक है तो उसमें आपको ये हर एक टॉपिक मिल जाएगा लेकिन बस ध्यान इतना देना कि जितना लिखा हुआ है ना सिलेबस उतना ही करना ज़्यादा एक्स्ट्रा या फिर ज़्यादा हार्डवर्क धक्के से मत करना ठीक है तो आई थिंक यही सिलेबस है तो मैंने बुक्स बताई है एनालिटिकल के लिए वेस्टर्न स्कूल ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन इनऑर्गेनिक के लिए हाउस क्राफ्ट एंड फिज़िकल के लिए के एल कपूर ओके और जो मैंने नोट्स बताए हैं अगर आपके पास नोट्स वगैरह हैं जी केमिस्ट्री करियर तो उनमें उन्होंने सब कुछ करवाया हुआ है जो आपको फिज़िकल वगैरह में या जो भी मैंने बोला नोट्स जहाँ पे मैंने नोट्स रेफर किया है वो वही नोट्स रेफर किए हैं ठीक है थीके? या कैम अकेडमी जहाँ से भी आपने कोचिंग लिए है क्योंकि वो सब सिलेबस करवाते हैं नेट केट वाला ठीक है तो या आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ मेन्स एंड अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ओके एंड या टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट